45 मिनट में हुई नगर परिषद की बैठक खत्म, छठवें बिंदु पर नहीं हुई चर्चा, सीएमओ पर लगाए आरोप। बड़ी खबर शिवपुरी से आ रही है। शिवपुरी में नगर परिषद की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी वार्डों के पार्षद, उपाध्यक्ष, प्रतिनिधि और नगर पालिका अध्यक्ष, सीएमओ शामिल हुए। आपको बता दें कि सीएमओ पर सांसद प्रतिनिधि ने गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि सीएमओ को हटाया जाए। जिस तरह से पहले सीएमओ को इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर हटाया गया था, तो शिवपुरी शहर की बदनामी हुई थी। शिवपुरी को कोई मेडल नहीं मिला, वहीं वर्तमान सीएमओ भी नहीं सुन रहे हैं, उन्हें भी हटाया जाए। शिवपुरी नगर पालिका में आज नगर परिषद की बैठक हुई है, जिसमें 6 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें से 5 बिंदुओं पर चर्चा तो हुई, लेकिन छठवें बिंदु पर आप बातें आते आते रह गई। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष, सीएमओ दोनों छठवें दिन बिंदु पर बिना चर्चा किए हुए ही बाहर निकल कर आए हुए हैं। वहीं कुछ पार्षद सहित सांसद, प्रतिनिधि, उपाध्यक्ष सरोज रामजी व्यास ने सीएमओ पर आरोप लगाए हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष शशि शर्मा ने जब सीएमओ की गाड़ी को रोकने का प्रयास किया, तो उन्होंने अनदेखा करते हुए आगे चले दिए। वहीं नेता प्रतिपक्ष शशि शर्मा ने बताया कि सीएमओ ने अनदेखा किया और हमारी बिना बात सुने ही वहां से चले गए। वहीं सरोज रामजी व्यास ने कहा कि उपाध्यक्ष का पद मुझे दिया गया है, लेकिन उपाध्यक्ष को कहीं भी शामिल नहीं किया जाता। उन्हें ये भी पता नहीं रहता है कि नगर पालिका में हो क्या रहा है, और छठवें बिंदु पर बिना चर्चा किए ही परिषद की बैठक को खत्म कर दिया गया है। कुछ पार्षद सहित सरोज रामजी व्यास, उपाध्यक्ष ने कहा कि छठवें बिंदु पर चर्चा क्यों नहीं की गई। इसका कारण यही है कि वह अपने अनुसार बाद में एजेंडा शो करेंगे और अभी उनको पूर्ण रूप से क्यों दर्शाया नहीं गया। अध्यक्ष महोदय के अनुशंसा के अनुसार छठवां बिंदु क्यों रखा गया, परिषद की बैठक में एजेंडे खुलकर सामने क्यों नहीं रखे गए हैं, इस तरह के वार्तालाप उन्होंने कहे। वहीं गंभीर आरोप लगाते हुए सीएमओ को हटाने की मांग की है। सांसद प्रतिनिधि रामजी व्यास ने इस्तीफा और धरने पर बैठने की बात कही है। वहीं उन्होंने कहा कि आगे वह नगर पालिका में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सभी बातों को रखेंगे। वहीं उन्होंने मेल भेजकर सारी बातें अपने वरिष्ठ जनों से करने की कही है। नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा का कहना है कि सभी वार्ड के मेंबर एक परिवार हैं और 26 जनवरी के बाद सभी परिवार के साथ बैठक करके आगे की बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और सभी एक साथ रहकर शिवपुरी के लिए कार्य करेंगे। पूरी शिवपुरी ही हमारी है और शिवपुरी शहर को स्वच्छ रखना और विकास होना, ये हम सभी चाहते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि हम सभी लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं, सीएमओ को बताया कठपुतली। नेता प्रतिपक्ष शशि शर्मा ने जब सीएमओ को रोकने के लिए कार के सामने आई, तो ड्राइवर ने तेज रफ्तार से कार चलाते हुए आगे बढ़ा दी। वहीं नेता प्रतिपक्ष शर्मा का कहना है कि सीएमओ कठपुतली बने हुए हैं और वह इशारे पर काम कर रहे हैं। तो आप लोग क्यों वेट कर रहे हैं उनका? किस चीज का विरोध दर्ज करेंगे? छठे बिंदु पे, परिषद में बिंदु 6 पे एंड दाउस में छठे बिंदु क्रमांक 6 का सुनवाई नहीं, सुना नहीं हमने, वो सुना नहीं, उससे पहले परिषद तो अभी आपने सूचना भिजवाई थी सीएमओ साहब को, तो सीएमओ साहब क्या नहीं है? अभी तक नहीं आए, देख लीजिए अध्यक्ष जी के कक्ष में बैठे हैं, छठे बिंदु ना देखिए अभी मुझे नाम सब पता होगा जाने की गाड़ी दर्ज करना है, देखो भी मैं सीएमओ साहब ही हूं। क्या सीएमओ अपॉर्टिंग प्रश्न का ये तरीका नियमों के विरुद्ध है, सीएमओ को सस्पेंड हो लेते, ये फिर सीएमओ सस्पेंड हुआ, वार्डिंग को सिग्नेचर नहीं कराया उसे, सांसद प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि, उपाध्यक्ष और सबके उपस्थिति रजिस्टर पर दस्तखत करा के भग गया। ऐसा नहीं चलेगा, मैं कल फिर कहते हैं कि नियमों से चलो, मिलके चलो, लगा रहा हमने रोका है, नहीं नहीं दोबारा से नहीं नहीं, ऐसा कोई विरोध नहीं हुआ, नहीं नहीं, बढ़िया से विधायक प्रतिनिधि के कहने पर नहीं नहीं, हमारी बढ़िया बैठक हुई और सभी लोगों ने एजेंडा पास किया और फिर स्थगित बढ़िया से की। उनका कहना ये था कि और बैठती है तो हमने उनको समय दिया है कि 2-5 दिन बाद अपन सारे पार्षद बैठ के और शहर हित का एजेंडा बनाएंगे और बढ़िया से काम करेंगे। पार्षदों का आरोप है कि पक्षपात किया जा रहा है, जो कांग्रेसी पार्षद है उनके वार्डों में काम नहीं हो रहा। नहीं, हमारे पार्षद ने किसी ने नहीं कहा और हम सबके साथ काम करेंगे। अध्यक्ष भी आपके पार्षद में बैठक दर्ज करा रहे थे कि उनको अवहेलना की जा रही है? नहीं, बिल्कुल कोई अवहेलना नहीं की, कामों में शामिल ही नहीं किया जा रहा है, सब हम लोग मिलकर काम करेंगे। आपने भी स्वीकार करा कि 6 महीने कोई काम नहीं हुआ है, आपने भी स्वीकार किया परिषद में कि 6 महीने कोई काम नहीं हुआ है, क्या कारण क्या रहे?
नहीं हमारे का, हमने जो हमारा काम करना था हमने किया लेकिन सीएमओ के कारण कुछ काम हमारे पिछड़े हैं, हमने अब ले लिए उनको सब और अब हम टेंडर भी लग गए, हमारे सड़कों के काम भी होने लगे और शहर हित में हम बहुत जल्दी विकास करेंगे, सारे काम कर लेंगे। उन्हीं परिस्थितियों देखते हुए तो सस्पेंड किया गया ना उनको, भाई उसने हमारे साथ जो चीटिंग की, जो काम करने में हमको पीछे धकेला है उसके लिए तो उसको सस्पेंड करवाया है। आपको लगता है जो नए सीएमओ आए अब आपकी कचौड़ी पे खड़े उतरने वाले बहुत अच्छे काम करेंगे? आज देखो 70-80 टेंडर हुए हैं। वर्क ऑर्डर कब तक मिल जाएंगे? क्यों पुराने कामों के अभी तक जो नियम के अनुसार वर्क ऑर्डर मिलती है तत्काल वर्क ऑर्डर भी मिलेंगे और काम भी शुरू करेंगे। अगर ठेकेदार काम नहीं करेगा टाइम लिमिट में तो क्या होने वाला? ब्लैक लिस्ट करेंगे। कांग्रेसी पार्षदों को साथ लेके काम करेंगे? हम पूरा शहर हमारा है, कोई कांग्रेसी नहीं, कोई बीजेपी नहीं, हमारे भाई है, हमारा परिवार है, पूरा शहर, हम शहर का विकास करेंगे। उपाध्यक्ष क्या मानते हैं घर के क्या? उन्होंने नारे की बात की है कि इस्तीफा दे देंगे वो अगर उनकी अवेलना या सम्मान नहीं रखा गया तो। नहीं हम सब मिलकर काम करेंगे। क्यों नहीं रोके वो, क्यों रोक रही थी? उन्होंने देख कर देखा कर दिया, क्यों वो चाह रहे मैं बच के निकल लूं यहाँ से, इतने सारे लोग मुझे घेर रहे हैं, कोई बात ना हो जाए तो निकल लूं मैं। किस लिए घेर रहे थे? अरे हमारे एजेंडे में जो पॉइंट नंबर 6 था उसके प्रति हमें अपना वो शिकायत दर्ज करनी थी, हमारी बात अधूरी रह गई, पूरी सुनवाई नहीं हुई हमारी आज। क्या दिखाना चाहते हैं कि इस तरह से पालिका चलेगी? तो आप क्या कहना चाहती हैं? सीएमओ साहब किसी के सारे पर चल रहे हैं, किसी कटपुतली बने हुए हैं? कटपुतली हुई है, टोटली कटपुतली है वो। किसकी कटपुतली बने हुए? किसकी कटपुतली बने हुए हैं वो? आप सब लोग भी समझते हैं, समझदार को इशारा काफी होता है साहब।